एवरीवन, दिस इज नेहा फ्रॉम राजकुमारी ड्रेस अप लाइक अ प्रिंसेस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एवरी सैटरडे वी रिलीज वन वीडियो। तो आज भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक स्पेशल वीडियो। ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोग मिलेंगे हमारी टीम राजकुमारी के सारे मेंबर्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं सारे मेंबर्स से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि इन ब्यूटीफुल सी ड्रेसेस के पीछे आखिर हाथ किसका किसका होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तनिष्का और स्मृति, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी टीम के मेंबर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली वो लोग आज यहाँ पर आए नहीं है। स्मृति क्रिएटिव हेड है हमारी कंपनी की, वो अभी मैटरनिटी लीव पर है। और तनिष्का शर्मा, जिसे आप सभी ने देखा ही होगा, बहुत सारे वीडियोज में वो आती है और बहुत सारी फोटोज में भी आपने देखा होगा। शी इज द ब्रांड फेस ऑफ राजकुमारी एंड शी इज नाउ एट मनाली। सो आज मैं जब वीडियो शूट कर रही हूँ, दोनों ही अवेलेबल नहीं है, सॉरी गाइस, किसी और टाइम मैं आपसे मिलवा दूंगी उनको। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टीम मेंबर से, योगेंद्र। योगेंद्र हमारे फोटोग्राफर एंड ग्राफिक डिजाइनर दोनों का काम संभालते हैं और योगेंद्र हमारे साथ 2 साल से काम कर रहे हैं टीम राजकुमारी के साथ। एंड चलिए पूछते हैं योगेंद्र से, आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम से, सर से और भी जो सीनियर्स हैं यहाँ पे। बहुत एकदम मतलब कंफर्टेबल होके काम करने का रहता है, ये प्रेशर वगैरह नहीं रहता काम का, बहुत ही अच्छा लगता है। तो योगेंद्र काफी सारा चीजें हैंडल करते हैं, जैसे कि ये वीडियो भी योगेंद्र ही एडिट करने वाले हैं, सारे फोटो शूट्स जो भी होते हैं वो भी योगेंद्र करते हैं, उसके बाद एडिटिंग भी करते हैं। तो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर टीम। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टीम मेंबर से मिलते हैं, शिवानी। तो ये है शिवानी, ये असिस्टेंट फैशन डिजाइनर भी है हमारी कंपनी में और बहुत सारी चीजें मैनेज करती है, क्योंकि राजकुमारी एक स्मॉल बिजनेस है तो आप लोग समझते हैं कि एक सिंगल बंदे के ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो डिजाइनिंग के साथ साथ शिवानी सारे ऑर्डर्स के प्रोसेसिंग, ऑर्डर्स मैनेजमेंट का सारा काम शिवानी देखती है और प्लस नए जो सैंपल्स हम लॉन्च करते हैं उनके बारे में भी शिवानी देखती है, डिजाइनिंग का पार्ट। तो ये छोटी सी है लेकिन बहुत काम करती है। नेक्स्ट टीम मेंबर हमारे वसीम जी हैं और ये हमारे यहाँ पे सारा पैटर्न मास्टर है हमारी टीम के, राजकुमारी टीम के पैटर्न मास्टर हैं। और आप जितनी भी ब्यूटीफुल सी टिपिकल सी ड्रेसेस देखते हैं वेबसाइट पे, उन सारी ड्रेसेस के पीछे इन्हीं का हाथ होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है वसीम भैया का हमारी टीम में। थैंक यू, मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टीम मेंबर से। ये है नूर, इन्होंने रिसेंटली अभी हमारी टीम राजकुमारी को ज्वाइन किया है, आई थिंक 20 डेज हो गए हैं नूर को ज्वाइन किए हुए। शी हैज ज्वाइंड एज असिस्टेंट फैशन डिजाइनर एंड राइट नाउ शी इज लुकिंग द एसेसरीज डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग वर्क। तो सारा का सारा फिनिशिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है नूर देखती है और एक्सेसरीज लटकन वगैरह ये सारी चीजें नूर हैंडल करती है एंड ऑल्सो असिस्टिंग इन डिजाइनिंग एज वेल। तो नूर, आपको कुछ अगर कहना है तो बोल सकते हैं। यस, मुझे यहाँ आए हुए 20 डेज हुए हैं, बट यहाँ का एनवायरमेंट, यहाँ के लोग, स्पेशली नेहा मैम, शी इज वेरी शुरी एंड आई लव दिस एनवायरमेंट एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर काम करके। थैंक यू नेहा मैम, वेलकम दिस अपॉर्चुनिटी। ये है जाहिद और ये है जहांगीर मास्टर जी। जाहिद हमारे यहाँ पे कटिंग हेल्पर है और मास्टर जी ने अभी ज्वाइन किया है हमें, हमारे साथ अप्रोक्सीमेटली 20 डेज हुए हैं मास्टर जी को ज्वाइन किए हुए। तो ये लोग भी वसीम भैया की हेल्प करते हैं कटिंग एंड ऑल में। चलिए मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को हमारी टीम के स्टिचिंग डिपार्टमेंट के एक एक मेंबर से। तो ये है तारा दीदी और ये हमारे साथ काफी टाइम से काम कर रही है, आई थिंक 3 ईयर्स कम्प्लीट हो गए हैं तारा दीदी को। ये है चमन, ये है अंजुम और फहीम। तो ये सभी लोग मिलकर के हैंडवर्क से रिलेटेड सारा काम संभालते हैं, फिनिशिंग एंड कुछ भी हैंडवर्क का कुछ भी काम होता है वो सारा ये चारों लोग मिलकर के करते हैं, प्रेस एंड ऑल पैकिंग वगैरह। तो आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे जो कारीगर हैं सबसे मिलवाना आपको मैं शुरू करती हूँ। ये अरमान है, प्रदीप भैया है, ये दोनों सी
सीनियर कारीगर हैं, ये लोग काफी टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं दोनों को हमारे साथ काम करते हुए। तो अरमान जो है वो काफी टिपिकल जो भी हमारे यहाँ डिजाइन के ऑर्डर आते हैं, लाइक किसी में ड्रेपिंग है, कोई बहुत ही टफ डिजाइन है, तो वो अरमान और प्रदीप भैया ही हैं हमारे यहाँ पे जो उस तरह के टिपिकल डिजाइन को हैंडल करते हैं और उन्हें बनाते हैं। तो आपने जितने भी सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस देखी होंगी हमारी वेबसाइट पे या गाउन, बहुत से प्रिटी प्रिटी से गाउन देखे होंगे, तो उनके पीछे इन्हीं दो टीम मेंबर्स का हाथ होता है। तो आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे राजकुमारी के बारे में? राजकुमारी टीम में हमें 4 साल हो गया काम करते हुए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ मिलजुल के काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। अरमान तुम कुछ कहना चाहोगे? कैसा लगा तुम्हें यहाँ पे काम करते? यहाँ पर काम करते हैं बहुत अच्छा लगा, मास्टर वगैरह मैम भी सही है, सब कोई मिल के काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ का, मास्टर भी बहुत हेल्प करते हैं, हम लोग कारीगर भी सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टीम मेंबर से मिलते हैं। हमारी टीम में ये माही, परवेज और फहीम भैया, ये लोग स्टिचिंग कारीगर हैं और मोस्टली ड्रेसेस वगैरह ये लोग स्टिच करते हैं, और ये हमारी टीम की छम्मक छल्लो भी है माही। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के वर्क एनवायरनमेंट के बारे में? बोल सकते हैं हमें यहाँ पर काम करके बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम हुआ, हमने बहुत कुछ भी सीखा है, यहाँ पे काफी लोग अच्छे लगते हैं, बस फिर मैं काम करना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे अच्छा भी लगता है काम करके, मैम के साथ में काम करने में मजा आता है, हम जैसे कर रहे हैं सही है, मैं यही कहना चाहूँगा बस अच्छा लगता है, आप लोग मैम से जुड़े हम भी जुड़े हैं। तो मिलते हैं लास्ट हमारे 5 टीम मेंबर्स स्टिचिंग डिपार्टमेंट से, ये हैं अंसार, ये हैं इरशाद भैया, इरशाद भैया हमारे यहाँ के सीनियर कारीगर हैं और ये भी काफी टिपिकल लहंगे डिजाइन गाउन ये सारे इरशाद भैया हमारे यहाँ पर संभालते हैं, और मोहिनीस, साबिर और जुनैल। तो ये थे हमारे सारे ऑल टीम मेंबर्स राजकुमारी के स्टिचिंग कारीगर, फिनिशिंग डिपार्टमेंट एंड मास्टर, सभी से मैंने आपको आज मिलवा दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारे ब्यूटीफुल डिजाइन के पीछे किसका हाथ होता है।